सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। भाई आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। शुरू से लेके ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ भाई। सोनाली मुर्गिया या फिर मुर्गे जो सामने तुम देख सकते हो भाई साहब, ये देखो ये सारे के सारे हमारे सोनाली मुर्गे हैं। और ये देखो पास से आपको मुर्गी दिखाते भाई, ये देखो इनका साइज वगैरह देख लो। तो आज मैं इन्हीं की पहचान बताने वाला हूँ कि ये भाई कैसी होती है। जो नए फार्मर है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप इनसे पहचान सकते हो कि सोनाली की मुर्गियाँ कैसे होती हैं या फिर मुर्गे कैसे होते हैं। भाई कोई आपको चूना तो नहीं लगा रहा डबल एच जी या गवरान या फिर वन राजा या किसी अदर मुर्गी को आपको देकर। तो और बता दे भाई वो सोनाली है। तो भाई देखने में इनको सेम टू सेम लगभग थोड़ा बहुत लगती है, लेकिन इनमें काफ़ी हद तक कुछ डिफरेंस होता है जिसे देखकर आप लोग बहुत ही आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो, पता लगा सकते हो कि हाँ ये किस चीज़ का बच्चा है। तो चलो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले आप लोगों को मैं इनका मुर्गा दिखा देता हूँ। भाई यहाँ पर देख सकते हो इस मुर्गे में भाई मैं दो चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसकी कलगी वगैरह देख सकते हो, दूसरा इसका वेट देख लो, वेट कितना लाइट वेट लग रहा है, एकदम हल्का मुर्गा, ठीक है। दूसरा ये लंबे होते हैं थोड़ा सा, आपको दिखा रहे हैं एक मिनट और दिखा दे भाई। ये देखो जैसे ये मुर्गा है यहाँ पे आप लोग देखो, तो ये सारे हैं प्योर सोनाली के मुर्गे, एकदम A1 क्वालिटी वाले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनका जो परवर है काफ़ी फूला रहेगा, लेकिन इनका वेट कभी 2 किलो से ऊपर नहीं जाएगा। एक किलो वो 1.5 किलो, 1800 ग्राम, 1700 ग्राम, ये एक मैक्सिमम जो इनका वेट है, इससे ऊपर इनका वेट नहीं जाता। अभी चलो मुर्गियों को दिखाता हूँ। ये है भाई देख सकते हो सारी की सारी सोनाली मुर्गियाँ। इनमें क्या है आप लोगों को मैं ये फ़ोटो दिखाता हूँ। इसमें देखो ये मुर्गी है भाई डबल एच की, और ये मुर्गी भाई मैं जो दिखा रहा हूँ भाई BV80 है। ये देखो एकदम सेम देखने में लग रही, लेकिन इनमें फ़र्क देख सकते हो भाई। जैसे ये सोनाली की मुर्गियाँ तो ये कभी ज़्यादा मोटी नहीं होती भाई। देखो ये एकदम नॉर्मल, अभी तो फुलाई बैठी है, तो किसी पे किसी नॉर्मल को दिखाता हूँ भाई। ये देखो ये देख सकते हो, जैसे इस वाली को देख लो, देखने में कलर वलर सब वैसा ही है, लेकिन कभी ये ज़्यादा हैवी तुमको नहीं मिलेंगे, एकदम हल्की दिखेंगी देखने में। और अगर मुर्गियों की बात करें तो भाई तुम देख सकते हो यहाँ पर, गौर से देख लो इनकी भी मुर्गी जो होती है एकदम बॉडी शेप में होता है, बिल्कुल ज़रा सा भी ऊँची नीची नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, एकदम भैंसी नहीं। और दूसरी चीज़ इनमें फुर्ती बहुत ज़्यादा होती है अदर मुर्गी के मुकाबले, चाहे वो डबल एफ जी की हो, चाहे वो कड़कनाथ की हो, चाहे जिस मुकाबले की बात करें भाई, इनकी फुर्ती बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है सारी मुर्गियों को देख सकते हो। और दूसरी बात इनका साइज़ कभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई साइज़ ये एकदम नॉर्मल, ये फुल साइज़ की मुर्गियाँ लगभग 8 से 9 महीने की, और ये सारी की सारी अंडे देती हुई मुर्गियाँ। तो इनका वेट कभी ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 1100 से 1200 ग्राम तक जाएगा। और इनका जो साइज़ है मतलब ये बड़ी होती है, तो मैक्सिमम आप देख सकते हो सारी की सारी यहाँ अडल्ट फीमेल है, अडल्ट मेल है, तो इनका वेट वगैरह ज़्यादा नहीं जाता, सब नॉर्मल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक चीज़ आपको मैं बताऊँ भाई, इनके आप लोग पीछे का हिस्सा देखो, यहाँ पर दुम के पास का हिस्सा देखो, यहाँ पर भी नॉर्मल थोड़े से बाल होते, बहुत ज़्यादा फूली नहीं होती। यहाँ पर देख सकते हो भाई सब एकदम नॉर्मल से थोड़े से बाल, पीछे से पिचकी होती, आगे से थोड़ा फूली होती, पीछे से नॉर्मल पीछे पिचकी होती, किसी भी फीमेल को देख लो, ये देखो यहाँ पर। और यही अगर डबल एफ जी की बात करें या फिर किसी अदर मुर्गी की बात करें, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी भाई मोटी मोटी, जैसे आगे से वो मोटी होती है वैसे ही सेम टू सेम पीछे से भी मोटी मोटी होती है। ये तो थी आप लोगों की एकदम नॉर्मल बात। अभी आप लोगों को एक और जो एकदम मतलब जिससे आप एकदम 100% पहचान जाओगे कि हाँ ये सोनाली की ही ब्रीड है और ओरिजिनल ब्रीड है, वो चीज़ है भाई इनके पैर। यहाँ पर तुम देख सकते हो, चाहे इसका देखो या फिर इसका देखो भाई, एकदम कांटे जैसे, डंडी जैसे, पतली पतली सीख जैसे हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई सोनाली मुर्गियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन इनके पैर जो होते हैं एकदम पतले पतले होते हैं। अब मुर्गे के पैर देख लो, वो मुर्गा है भाई देखो, देखने में इतना चौड़ा तगड़ा पगड़ा, लेकिन उसके पैर देखो जैसे पतली डंडियाँ सामने, और उस वाले की भी यहाँ से अगर देखो पास से दिखाएंगे तो ठीक है, वरना यहाँ से देखो एकदम पतली डंडियाँ। तो चाहे मुर्गा हो या मुर्गी हो, इनके पैर बहुत ज़्यादा पतले पतले होते हैं। कलर कभी कभी पीला भी चला जाता है, लेकिन कलर ज़्यादातर इनका ब्लैक रहता है, जैसे उसका देखो थोड़ा वाइट में है, और कलर की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनके जो पैर है वो काफ़ी पतले होते हैं, इससे भी पहचान हो जाती है भाई सोनाली मुर्गियों की। और मार्केट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा भाई, कहते हैं ये देसी मुर्गी है, ये देसी मुर्गी है, मतलब जिससे ये फुटकर वाले जो फेरी वाले बेचने आते हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं भाई, ज़्यादातर ये सोनाली की ही मुर्गी बेचते हैं भाई, क्योंकि इनका मुर्गा हो या मुर्गी प्योर देसी जैसा लगता है, इनका अंडा प्योर देसी जैसा होता है, एकदम फुल टर्म फुल होता है बिल्कुल ऊपर तक इसके अंडे में जर्दी वगैरह, और देखने में भी वैसा ही लगता है। तो भाई ज़्यादातर ये लोग सोनाली बेचते हैं देसी के नाम पे, क्योंकि आप लोग अगर देसी जो प्योर देसी है कहीं से आपको मिल जाता है, उसे उठाकर सामने रखो और सोनाली के एक मुर्गी को उठाकर सामने रखो और भाई उससे कंपेयर करो, दोनों को खुद पता चल जाएगा हाँ कौन देसी है कौन सोनाली। मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको प्योर सोनाली मुर्गियाँ लेनी है
तो आप लोग उस फार्मर से लेना जिसके पास भाई काफ़ी हद तक डिमांड आती हो, वो काफ़ी अच्छा डीलर हो, मतलब काफ़ी बच्चे वगैरह निकालता हो और उसने काफ़ी निकाल चुके हो, क्योंकि भाई उसे ही पता होगा कौन सा अंडा किस क्वालिटी का है और कौन सा अंडा सोनाली वगैरह का है। वरना छोटे मोटे तो भाई ये जो फेरी वगैरह वाले हैं तो भाई इन पर भरोसा करना तो भाई 50-50% कर सकते हैं, 100% तो करना बहुत मुश्किल है भाई। ये फेरी वगैरह नहीं, नियर में जो आपकी हैचरी हो उसकी अच्छे से जानकारी वगैरह ले लो। हाँ, बंदा अगर सही से देता हो, सोनाली की प्योर क्वालिटी की ब्रीड देता हो तो आप उससे लो, तब जाके आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, वरना पहचानने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो बस कुल मिलाकर आज की वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करते हैं वीडियो से कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर से मिली होगी, और ऐसे ही जानकारी के लिए बस हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट सोनाली मुर्गियों से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ, इनकी बीमारी से रिलेटेड, इनकी एक प्रोडक्शन से लेकर और बहुत सारे अदर मुर्गी की ब्रीड से रिलेटेड वीडियोज़ हम लोग ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर डाल चुके हैं, तो जाकर आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, यहाँ से अगर अपने वीडियो कैंड मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।